चार्य भगवंत रैनसार ग्रंथ के अंतर्गत ज्ञान अभ्यास के बिना कर्म क्षय का कारण नहीं बन पाता है ज्ञान का अभ्यास और परिग्रह का त्याग परिग्रह का त्याग यदि साधु के पास है तो ऐसा श्रवण ऐसा साधक दुखों को प्राप्त नहीं होता और जिसके पास ज्ञान का निरंतर अभ्यास चल रहा हो क्योंकि ज्ञान का अभ्यास हमें ध्यान की ओर ले जाता है और ध्यान मोक्ष मार्ग का सर्वोत्कृष्ट सर्वोपयोगी एक केंद्र है आचार्य भगवान यहाँ कहते हैं राणा भास सपर सपरत न जा दे किम पी झाण मित्सण होम खबीण हो, हो मुखम उन्होंने कहा राणभास भास ज्ञान अभ्यास से रहित जीव स पर तच्चम स माने स्व पर माने पर पर तत्व को किम भी कुछ भी न जाण दी नहीं जानता तस्य उसके हु निश्चय से झाड़म ध्यान न होती नहीं होता तब तब तक कममम कर्मों का न खबे छह नहीं होता और जब कर्मों का छय नहीं होता तो मोक्षम न हो तो मोक्ष की सिद्धि कभी नहीं हो सकती है आचार्य ने कहा है कि हम सबसे पहले ज्ञान अभ्यास के लिए जो परिग्रह को त्याग कर करने का एक मार्ग पकड़ा है ये मोक्ष मार्ग परिग्रह के त्याग के बिना कभी संभव नहीं हो सकता क्योंकि परिग्रह के त्याग से ही शुद्ध उपयोग की प्राप्ति होती है शुद्ध उपयोग जिसका है जिस साधक ने शुद्ध उपयोगी अपने को बनाया है उसको परमार्थ के ज्ञाता तीर्थंकर गणधर सभी साधु को परिग्रह रहित कहते हैं ऐसे परिग्रह से रहित वो श्रमण जिसने सबसे पहले स्वयं को खाली करके उस साधना के क्षेत्र को अनवरत रूप से ग्रहण करने का मन बनाया अपने आप को खाली करके स्व आत्मा को प्रकट कैसे करूं? उस करण करन करने के लिए केवल अभी हम सबको ये ध्यान रखना है जिस जमी पर बैठे हैं वो जमी तेरी नहीं है जो गृहस्थ हैं उस जमी के लिए लड़ते हैं एक इंच जमी कहीं की कहीं नहीं जानी जहाँ हैं वहीं रहनी है लेकिन फिर भी ममत्व को स्वीकार करने वाला जो मूर्छाधारी है जिसके अंदर मूर्छा के परिणाम हैं ऐसा मूर्छा का धारी श्रावक उस जमीन के लिए उस धन के लिए उस परिवार के विघटन में ये मूर्छा एक ऐसा कार्य कर देती है जैसी भरी भरी दूध की कड़ाई के लिए नींबू की एक बूंद उन्होंने कहा मम इति अभिप्राय परिग्रह मेरा पन जहाँ से निकल गया मैंने अपने मम भावों के संस्कारों को तहस नहस कर दिया बस स्व की उपलब्धि स्व का उपयोग जिसमें स्वयं के लिए चला गया अपने अभिप्राय की सिद्धि जिससे हो गई आचार्य भगवंत कहते हैं बस ज्ञानी वो ही परिग्रह से रहित होता है और जो मेरा ही है इस प्रकार का जो अभिप्राय लगाता है इस प्रकार प्रकार का जो ज्ञान लगाता है सो परिग्रह है बस उसको ही परिग्रह कहा है जहाँ वस्तु में ममकार पना रहे जहाँ व्यक्ति के प्रति ममकार पना रहे जहाँ पर स्व के प्रति ममकार ना हो पर के प्रति ममकार हो उसको यहाँ मूर्छा की भाषा कही है क्योंकि परिग्रह में रथ साधु ठीक ऐसा ही है जैसे बतासा होता है ना खाते हो मीठा होता है पोला होता है और स्वादिष्ट लगता है ऐसे बतासे में यदि रंग डाल दिया जाए और उस रंग युक्त बताशे को पानी में डालें तो बताशा स्थिर रहेगा क्या बताशा जलमय हो जाएगा पानी जैसा हो जाएगा लेकिन वो बताशे का जो रंग था उस रंग में वो पानी परिवर्तित हो जाता है इसी प्रकार से आचार्य भगवंत कहते हैं कि आपने जो बताशे में कलर डाला था उससे युत जल हुआ जो आँखों का विषय बना पानी में रंग की तरह बतासा घुल गया पानी में हो गया उसी प्रकार से जो हमारा उपयोग अगर राग में गया राग के प्रति गया तो राग में हो जाता है और द्वेष के प्रति जाता है तो द्वेष में हो जाता है व्यक्ति वही है दृष्टि वही है उपयोग का विभाजन हुआ है एक व्यक्ति के प्रति राग और उसी व्यक्ति के प्रति द्वेष जब हमारे उपयोग की चरम सीमा का हम अनुभव करते करते निष्णात हो गए हों तो ये राग और द्वेष की दोनों रस्सियाँ इतनी शिथिल हो जाती हैं और जब हम मोक्ष मार्ग पर अभी चढ़ने ही लगे हैं ऐसे में एक साधक थोड़ा सा ज्ञान कर लेता है बाचालता को समझ लेता है कि मैं अपने बाचालता से किसी को भी फंसा सकता हूँ आचार्य भगवान कहते हैं ऐसा बाचाल प्रेमी आत्मा शायद ये नहीं समझ पा रहा कि जिस परिग्रह को जिस घर को जिस दर को जिस परिवार को छोड़ कर के हम इस परिवार में आए हैं कौन से परिवार में जहाँ दया है क्षमा है मारदव है सरलता है रिजता है शील संयम तप त्याग जिनके सहोदर बने हैं जिस परिवार को मैंने स्वीकार किया है पूरे पंचों की साक्षी पूर्वक उस परिवार को मैं अगर छोड़ देता हूँ अथवा उस परिवार में रहते हुए पड़ोसी से प्रेम कर लेता हूँ तो ये जग जाहिर तो होगा उस नशे की तरह जिसने बंद बाथरूम के अंदर शराब का मदरा का कश लिया है जिसने निवृत्ति स्थान पर चुटकी भर गुटका मुंह में रखा है ये किसी को नहीं पता है पत्नी ने कहा माँ ने कहा बहन ने कहा कि भैया स्मेल अच्छी नहीं आ रही लेकिन उसको भी चला दिया क्योंकि वो हम बाचाल प्रवृत्ति के हैं हमारे अंदर बाक चातुर्यता हमें मिली है लेकिन जैन दर्शन कहता है कि हे बाक चातुर्यता के धनी साधक ध्यान रखना तू सबको चला सकता है अपनी माँ को छल सकता है बहन को छल सकता है तेरा छलिया स्वभाव लेकिन तेरे कर्मों को नहीं छल सकता क्योंकि जब उस गुटके का फोड़ा फूटेगा कैंसर होगा तो वो चेहरे की विकृति जग जाहिर होगी जब तू तो उस मदरा का कस बंद निवृत्ति स्थान में लेगा लेकिन उसका नशा पूरी समाज के बीच में झूमेगा नाली में पड़ा है कौन वही जिसने बंद कमरे में एक कस का आनंद लिया था इसी तरह परिग्रह परिणामों के द्वारा अपने शुभ उपयोग को जिसने राग द्वेष के परिग्रह से विकृत कर दिया है आकुल व्याकुल कर दिया है कहाँ तो समता में सामायिक की जीवंत मूर्ति बन कर के बैठा है वो साधक चर्म चक्षुओं को देखने में लगता है कि ये आत्मस्वादी है लेकिन अंदर की गटागटी उसको चैन नहीं लेने दे रही सच्चे स्वाद को नहीं लेने दे रही उसी प्रकार जिसके अंदर नमक मिर्च मसाला सब कुछ पड़ा है लेकिन अंत में एक दूसरी किसी पाक शास्त्री ने थोड़ा सा फिटकरी का पुट डाल दिया है तमाम उन स्वादों के बीच में एक थोड़ी सी फिटकरी ने सा सारे स्वादों को बेस्वाद बना दिया आचार्य भगवंत कहते हैं जब सुंदर भोजन सुंदर रस युक्त है उसमें थोड़ी सी फिटकरी यदि बेस्वाद भोजन कर सकती है तो रे साधक थोड़ा विचार तो करो आपके पूरी चर्या पूरी अच्छी है लेकिन चर्या की पूर्णता होते होते आपने 28 कृतिकर्म के अंतर्गत इतनी शिथिलता बरत ली कि भगवान बहुत थक गया हूँ लेट करके अपना प्रत्याख्यान रात्रि योग निष्ठा प्रतिष्ठापन कर लूँगा और लेटते लेटते निद्रा आ गई रात्रि का प्रतिष्ठापन योग रह जाता है निश्चित मान करके चलना तेरे एक कृतिकर्म में पूरी की पूरी आनी हो जाती है आज के अपने उस व्रतों के अनुष्ठान का जहाँ हंड्रेड से हंड्रेड नंबर मिलना था वहाँ एक नंबर कम होते ही माइनस मार्किंग शुरू हो जाती है रे साधक हमारा जो राग में स्वभाव हुआ उससे सिर्फ ये हुआ कि मेरा भाव जो स्वयं चल रहा था वो स्वभाव गुम हो जाता है खो जाता है एक ही बार में एक ही चीज रह सकती है या विभाव रहे या स्वभाव रहे दोनों नहीं हो सकते कि स्वभाव भी रह जाए और विभाव भी रह जाए इस चीज़ का जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे अभ्यास किससे होगा अभ्यास ज्ञान से होगा अभ्यास किससे होगा अभ्यास ध्यान से होगा और वो ध्यान का कैसा अभ्यास होगा पर पदार्थों के प्रति पूर्ण आसक्ति को हटाकर जब हम निर्विकल्प स्वभाव वाले बनकर के अपने आप में उसका अनुभव करेंगे माता पिता मेरे कोई नहीं हैं ऐसे तमाम माता पिता को मैंने प्राप्त किया है और छोड़ दिया है परमार्थ के ज्ञाता ऐसे साधक को ही परिग्रह से रहित जित मोह कहते हैं जिन्होंने मोह को जीत लिया है दो धाराएं हैं एक परिग्रह और एक मोह परिग्रह स्थूल त्याग है परिग्रह कैसा है स्थूल है उसे छोड़ा जा सकता है कि भैया चलो बहुत दबाव पड़ रहा है अपने पर तो चलो हम सब छोड़ देते हैं ना चौकी रखेंगे ना कोई बैग रखेंगे मंदिर से ग्रंथ लाएंगे पढ़ लेंगे और बाद में विराजमान कर देंगे ना माला रखेंगे ना और कुछ रखेंगे शास्त्र रखना है और अपने को पीछे का मंडल रखना है ये बाह्य परिग्रह तो आप छोड़ सकते हैं लेकिन जो राग है जो मोह है वो सूक्ष्म है वो दिखता नहीं है शब्दों से तो हम कहते हैं कि हमें कोई राग नहीं है किसी से हमें किसी से मोह नहीं है बिल्कुल ना बच्चों से मोह सबको छोड़ करके आए हैं खब सब करके आए माता जी सब बच्चे सुखी हैं क्या चिंता करना है उनका लेकिन दो दिन आठ दिन निकल जाएं, तो माँ का ममत्व जग जाता है हे माँ भूल गई अपने उन शब्दों को उन विचारों को जब दीक्षा को ग्रहण किया था तब उसी बच्चे ने कहा था कि नहीं मैं दीक्षा नहीं लेने दूंगा तब इतनी कड़क हो गई कि नहीं मैं दीक्षा लेकर के रहूँगी कल कर क्या करना है तुझको लेकिन तेरा माँ का मातत्व तो अब जगा है जब सब कुछ छोड़ने का नंबर आया तो माँ का ममत जग गया अब ये माँ का ममत तुझे इस धरातल से उस नवातल तक नहीं ले जाएगा रसातल तक ले जाएगा क्योंकि वज्रलेप हो रहा है अणुव्रति महाव्रतों को स्वीकार किया है साधारण जिंदगी से आप गुणवानों की जिंदगी में आ चुके हैं आपको अब उस सूक्ष्म मोह का त्याग धीरे धीरे बुद्धि पूर्वक अभ्यास रूप में करना होगा अगर नहीं करेंगे तो पता है उस गधे की पीठ पर लदी हुई गीली मिट्टी के तरह समान बोझे को ढोते रहेंगे छोड़ना पड़ेगा बुद्धिपूर्वक छोड़ना पड़ेगा हंस हंस कर छोड़ोगे तो अवनव कर्म का अनुबंध नहीं होगा और रो रो कर छुड़ाया जाएगा तो नवीन नवीन कर्मों का बंध होता चला जाएगा ये बिना संवर के निर्जरा होगी समय आने पर जब उसका परिपाक काल पूरा हो गया उदय में आके निकल गया वो कार्यकारी नहीं है उसी प्रकार जैसे उपवास और अंतराय में अंतर है उपवास में बुद्धिपूर्वक चारों प्रकार का आहार आपने आहार करने के बाद गुरुचरणों के संक, संकल्प पूर्वक ग्रहण कर लिया लेकिन जो अंतराय हुआ है अंतराय में जोरों से भूख लगी है कंठ सूख रहा है कंठ कहता है कि शीतल जल मिल जाए तो त्रशा का निवारण हो जाए क्षुदा कहती है दो रोटी मिल जाए तो क्षुदा को शांत कर लूँ सब कुछ तो रखा है थाली में दो की जगह चार रोटी रखी है शीतल जल एक गिलास नहीं एक लोटा नहीं एक जग भर करके रखा है और देने वाला भी बैठा है लेने वाला भी बैठा है लेने वाला भी सोचता है आज मैं अच्छे से आहार करूंगा ताकि धर्म ध्यान साधना समता परिणामों की वृद्धि करूं, लेकिन कहा है सब कुछ रखा है लेकिन भाग्य का नीर सूखा है तो भरी थाली शीतल जल अतृप्त कंठ पेट की छुदा दाता और लेता करेगा क्या जब तक दानांतराय और लाभां्ताय का उपशम नहीं है